जनपद संभल के चंदोसी में चल रही पैठा फैक्ट्रियों पर खाद्य विभाग का चला डंडा। सभी फैक्ट्रियों के लाइसेंस 14 दिन के लिए निलंबित। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल की चंदोसी का है, जहां पर कुछ दिन पूर्व पैठा फैक्ट्री में जानवरों के द्वारा पैठा खाए जाने की खबर अभी तक न्यूज पर प्रकाशित हुई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को जरूरी कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया था। आज खाद्य विभाग की टीम पैठा फैक्ट्रियों पर पहुंची और कार्यवाही करते हुए उनके लाइसेंस 14 दिन के लिए निलंबित करते हुए उन्हें पाई गई कमियों को दूर करने के लिए कहा गया। इस विषय में खाद्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि फैक्ट्रियों में प्रमुखता सफाई व्यवस्था नहीं पाई गई, साथ ही यहां पर भट्टियों को चलाने के लिए लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे प्रदूषण होता है। इन कमियों को दूर करने के लिए इन्हें 14 दिन का समय दिया गया। इस बीच इन फैक्ट्रियों में काम बंद रहेगा। कोई बात है भाई, काम बिल्कुल बंद कर दें, जी ना बंद कर दें, हमारे आदमी जितने भी काम कर रहे हैं सब बेकार, भूख मरने का कारण क्या नहीं डालेंगे वो यार, ऐसा कर दिया बिल्कुल, रोज रोज आ जाती है। अरे आप लोग भी मीडिया में हो, आज के बताओ मिठाई क्या लगाते पेड़ेगी, हमने तो कुछ ऐसा देखा ही नहीं है अभी। अरे पेड़ मिठाई बैठे मिठाई तो फायदेमंद है, फायदेमंद बाजार में तो खाई होगी, हर आदमी ने खाई, डॉक्टर बताता है पेड़ मिठाई खाओ, पीलिया कमजोर हो जाता, पीलिया हो जाए बहुत काम, आदमी मांग मांग के हमें बड़े बड़े पीला पीला आदमी हमें के साथ हमें पेड़ मिठाई चाहिए, हमें वीवो हो गया है। दरअसल उस दिन ये नोटिस लेने के लिए मौजूद नहीं थे, इसलिए इन्हें आज नोटिस उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इन्हें 14 दिन का समय दिया गया है ताकि जो निर्माणशाला में कमियां हैं उसे ये दूर कर सकें और जो ज़रूरी NOC हैं उसे प्राप्त करें, और उसके बाद में खाद्य विभाग को ये सूचित करें और तत्पश्चात इनका निरीक्षण किया जाएगा कि कमियों का निराकरण किस स्तर तक हुआ है, उसके बाद ही इनके पंजीकरण निलंबन पर कोई फैसला लिया जाएगा। फिलहाल इनका पंजीकरण निलंबित है और कार्य करने पर रोक लगी हुई है। सर जैसे कि चंदौसी में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, तो कितनी फैक्ट्रियों पे लाइसेंस था और कितनी फैक्ट्रियों के लाइसेंस होने के बावजूद आपने उनको रोक लगाई है? देखिए, 3 फैक्ट्रियों के पास लाइसेंस था जिनका निलंबन किया गया है और 2 पर चालानी कार्रवाई करी गई है। इस समय फिलहाल चंदौसी नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी पेठे का निर्माणशाला चलता हुआ पाया गया तो वह जानबूझ के चलाया जा रहा है, विभाग की तरफ से उसको कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। सर जैसे कि शासन की तरफ से एक आदेश है कि आबादी वाले एरिया में फैक्ट्री नहीं चलेंगी, लेकिन ये सारी फैक्ट्री ज्यादातर आबादी में है बैठने की, तो उसके लिए क्या कहेंगे? हमने निरीक्षण पत्र में इसके लिए जो हमने उनको समय दिया है 14 दिन का, उसमें उनसे NOC की मांग की गई है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से NOC प्राप्त करें, उसके बाद ही यह पंजीकरण बहाल हो सकेगा, अन्यथा यह निरस्त किया जाएगा। सर ये जो आपने जो अब तक छापेमारी की है व्यक्तियों पे, ये यहाँ पर क्या कमियाँ पाई गई थी? मुख्यतः इसमें सफाई व्यवस्था अत्यंत खराब है और सभी जगह लकड़ी जलाकर भट्टी जलाई जाती है, जिससे कि तमाम प्रदूषण होता है, और साफ सफाई, भवन का रखरखाव, पेठा के निर्माण बनने के बाद में जो रखा जाता है उन सब में ही कमियां पाई गई हैं, गंदगी में रखा जाता है, इसी के चलते यह कार्रवाई की गई है।